सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। ये है Hyundai Grand i10 Neo Magna CNG जो कि आ जाता है ड्यूल सिलेंडर में। फ्रंट में जो है आपको यहाँ पे DRS देखने को मिल जाती है हेलोजन लैंप के साथ में। आप देख सकते हैं 14 इंच के यहाँ पे जो है नॉर्मल टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। फेंडर पे इंडिकेटर की लाइट देखने को मिल जाएगी। हेलोजन लैंप्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हो लुक्स इसका जो है हैचबैक सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा दमदार लग रहा है। फ्रंट आपको जो है सामने यहाँ पे जो एंटेना देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। मिरर जो है वो आपको मैन्युअली यहाँ पर फोल्ड करने के लिए देखने को मिल जाएगी। तो दरवाजे को कर लेते हैं ओपन। आप देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है ड्यूल टोन फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डोर पे आपको जो है फोर पावर विंडोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट राइट के। देख सकते हैं यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपनी तरीके से यहाँ पे सीट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अंदर बैठ के यहाँ पे जो है गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लस्टर में, और की आपको जो है फोल्डेबल मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते ही एक अलग ही फीलिंग आती है। ये मैग्ना वेरिएंट है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड सारे के सारे ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। 2D म्यूजिक साउंड सिस्टम आ जाती है। स्टीयरिंग को जो है आप यहाँ पे टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टीयरिंग दिया गया है Hyundai ने। फ़ोन रिसीव कट करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड यहाँ पे मोड वगैरह चेंज करने के लिए कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेदर वेपर स्टीयरिंग यहाँ पर नहीं मिलता, नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा। FM वगैरह यहाँ पर सुन सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लस्टर में आपको जो है वो MID यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और उसमें जो है आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो डोर वगैरह का सेटिंग यहाँ पे करने को देखने को मिल जाएगा। एवरेज यहाँ पे जो है ट्रिप मीटर टेकोमीटर वगैरह यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, उसको जो है आप अपनी तरीके से जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको किलोमीटर्स वगैरह के कांटे देखने को मिल जाएगा। ये वाला CNG का है, RPM का है, ये वाला फ्यूल पेट्रोल का है, और स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। आपको जो है यहाँ पे बेसिक जो है सारी नीड्स यहाँ पे जो है इस वाले वेरिएंट में फुलफिल रहती है। आपको कोई टच स्क्रीन म्यूजिक वगैरह का यहाँ पे शौक नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले का शौक नहीं है, तो आप ये वेरिएंट में जा सकते हो। यहाँ पे जो है आप पेट्रोल में CNG में कन्वर्ट कर सकते हो। मैग्ना वेरिएंट में जो है बेसिक सारी नीड्स यहाँ पे आ जाती है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। 6 एयरबैग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2D सिस्टम यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे मैनुअल AC देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपनी तरीके से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है। 12 वोल्ट के आउटलेट के साथ यहाँ पे आप फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अपना USB-C टाइप यहाँ पे दोनों देखने को मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, बट यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, वो आपको जो है हेल्प करेंगे रिवर्स लेने में। यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, हैंड ब्रेक्स नॉर्मल देखने को मिल गए। रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ मिल जाता है बेस वेरिएंट में। ग्लो बॉक्स कूलिंग यहाँ पे नहीं मिलता आपको। डे नाइट ORVM दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है। सारे के सारे जो है वो बेसिक्स यहाँ पे जो ज़रूरी फीचर्स यहाँ पे इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अगर गाड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हम चलते हैं पीछे की तरफ क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी देख लेंगे। तो गाड़ी में काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया गया, आप देख ही सकते हैं। इसका डोर जो है काफ़ी वजनदार है, बंद ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं 3 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेग रूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। ये वाली सीट है बिल्कुल यहाँ पे पीछे मैंने ले ली है, आप देख ही सकते हैं। हेडरूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रियर एसी वेंट्स प्लस 12 वोल्ट का आउटलेट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम लैंप आपको हेलोजन देखने को मिल जाएगा। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता आपको। यहाँ पे एडजस्टेबल है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि सेफ्टी इंप्रूव करते हैं। तो अभी चलते हैं बैक साइड की तरफ। यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाएगा डोर में भी आपको। तो यहाँ पे जो है वो कोई आपको जो रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलता है, स्पॉइलर वगैरह देख ही सकते हैं यहाँ पे जो है बैक साइड में। और यहाँ पे जो है Hyundai Dio CNG की यहाँ पे जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ। HY CNG Dio का यहाँ पे आपको नेम देखने को मिल जाएगा। इसको कर लेते हैं बूट को ओपन। अभी यहाँ पे Grand i10 लिखा हुआ है, Neo Magna वगैरह का ब्रांडिंग नहीं आता, HY CNG Dio वगैरह यहाँ पे जो है लिखा हुआ आता है। इसका मतलब यही कि इसमें ड्यूल सिलेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख ही सकते हैं काफ़ी जो है वो बढ़िया यहाँ पे जो है बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 275 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे जो CNG टैंक्स दिए गए हैं, 100 लीटर की जगह ये रोक लेते हैं, तो 150 लीटर जो है आराम से यहाँ पे बचेगा। आप देख सकते हैं सामान वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेयर व्हील आपको इसमें नहीं देखने को मिलता।
इसमें जो है आपको टायर मोबिलिटी किट आ जाती है, सीट्स वगैरह फोल्ड करेंगे तो और भी यहाँ पर जो है जगह आपको बच जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टायर मोबिलिटी किट। इसका यूज़ कैसे करते हैं उसका जो है वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि हुंडई टायर मोबिलिटी किट को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे सीलेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाली किट देखने को मिल जाएगी जिसको आपको 12 वोल्ट के आउटलेट में कनेक्ट करना है, और फिर सारा का प्रोसेस वो वीडियो में मैंने मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू यूज़ टायर मोबिलिटी किट। ओके, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसको जगह देखने को मिल जाएगी टायर मोबिलिटी किट रखने की। स्पेयर व्हील वगैरह नहीं मिलता है इसमें, वो एक माइनस पॉइंट है, बट हुंडई ने अभी एक नया कदम लिया है टायर मोबिलिटी किट का। अल्काज़ार में भी वो लोग नहीं दे रही है, इसका मेन रीज़न वही है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी सीएनजी टैंक्स, ड्यूल सिलेंडर, तो जगह आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी ये वाली गाड़ी में, आप देख ही सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी कार है दोस्तों। ऑन रोड ये आपको 8,88,000 में पड़ जाएंगी, डिस्काउंट वगैरह काट के आप इसको 8 लाख में जो है परचेस कर सकते हो। यहाँ पे सीएनजी ऑप्शन और पेट्रोल ऑप्शन दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और 8 से 8.5 किलो जो है इसमें सीएनजी समा सकता है। तो गाड़ी का पीछे का लुक भी काफ़ी ज़्यादा जो है दमदार था, आप देख ही सकते हैं DRLs वगैरह। तो गाड़ी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।